Hello friends, I am Dr. Ajay Sharma. I have done my PhD in organic chemistry. आज मैं आपके साथ दो ड्रग के बारे में बात करूंगा जो आजकल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है. इनका नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एंड क्लोरोक्वीन. आप इस इनके नाम से आप समझ गए होंगे, ये वो ड्रग है जो COVID-19 को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं. बट फ्रेंड्स, एक बात आप अपने ध्यान में रखो, ये ड्रग बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक भी हैं. आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह या प्रिस्क्रिप्शन के, किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के अलावा आप इसको यूज़ मत करिए. जितनी भी अभी तक रिसर्च या डाटा अवेलेबल है, किसी भी कंट्री में इन ड्रग का सेवन तभी करना है जब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है. तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊँगा कि कितनी डोज हमें इस ड्रग की लेनी चाहिए, बच्चों को, कितनी उम्र के बच्चों को ये ड्रग नहीं देनी चाहिए, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका फार्माकोडाइनमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, तो इनकी स्ट्रक्चर क्या है, ये काम कैसे करती हैं. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद क्लोरोक्वीन. आप ये स्लाइड पे देख सकते हो, देर आर थ्री ड्रग्स स्ट्रक्चर आर गिवन. दिस फर्स्ट वन दैट इज पिंक इन कलर इज ऑफ क्लोरोक्वीन एंड द सेकेंड वन दैट इज रेड इन कलर दैट इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एंड तीसरी जो स्ट्रक्चर ग्रीन कलर में है वो है 4-amino-quinoline. एक्चुअली क्लोरोक्वीन एंड हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो ड्रग है ये बिलोंग करती है 4-amino-quinoline फैमिली को. सो देर आर डिफरेंट क्लासेज ऑफ ड्रग्स. तो ये दो ड्रग क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है 4-amino-quinoline फैमिली को बिलोंग करती है. एक्चुअली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इज अ डेरिवेटिव ऑफ क्लोरोक्वीन. एक्चुअली दीज ड्रग हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ओनली द डिफरेंस इज दैट जो मेन डिफरेंस है दोनों में, क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन में ये OH ग्रुप होता है जो कि क्लोरोक्वीन में नहीं होता. चलो हम इसकी क्लोरोक्वीन की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. सो जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ मेंबर ऑफ ड्रग क्लास 4-amino-quinoline. ये इसका IUPAC नेम है, आप देख सकते हो काफ़ी लंबा है, तो ये ज़्यादा आपके काम का नहीं है, तो मैं आगे चलता हूँ. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्लोरोक्वीन को हम CHQ भी लिख सकते हैं. तो ब्रांड नेम, अगर आप मार्केट में जाओ, आप बोलो कि भाई हमें क्लोरोक्वीन चाहिए, तो केमिस्ट को ऐसा सच नहीं पता चलेगा. तो मार्केट में ये किस नाम से अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड ब्रांड नेम. ये मार्केट में क्लोरोक्वीन, FNA, रेसोचिन, डावाक्विन एंड लेरी एगो के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है. सो जो ये ड्रग है क्लोरोक्वीन, जो बेसिकली ये मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, जो इसका मेन काम है क्लोरोक्वीन का, दैट इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. बट बहुत कम समटाइम इसको हम एम्योबिक हेपेटाइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया जिसको हम कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं. रिसेंटली ये ड्रग बहुत ही पॉपुलर होगी क्योंकि इट इज आल्सो बीइंग स्टडीड टू ट्रीट COVID-19. सो ये क्या है, ये ड्रग कोरोना वायरस COVID-19 जिसको हम बोलते हैं की ट्रीटमेंट में काफी इफेक्टिव है. तो अगर मैं बताऊं, इसकी जो फर्स्ट डिस्कवरी थी, क्लोरोक्वीन वाज फर्स्ट डिस्कवर इन 1934 में इसकी डिस्कवरी हुई थी. साइंटिस्ट का नाम था हंस एंडर सैग नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी. ये साइंटिस्ट जर्मन के रहने वाले थे. तो जो फर्स्ट सिंथेसिस थी क्लोरोक्वीन की, वो भी 1934 में ही की गई बाय दी कंपनी नोन एज बेयर
कॉरपोरेशन, ये एक जर्मनी की फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जिसने फर्स्ट टाइम इसको सिंथेसाइज किया था। ये उस टाइम ये क्लोरोक्विन क्यों इंपॉर्टेंट था, ये ड्रग बहुत ही ज्यादा चीपर है, कॉस्ट इफेक्टिव है एज कंपेयर टू दी क्विनीन। क्विनीन जो है ट्रेडिशनल 1820 के बाद मलेरिया को यूज करने के लिए हम क्विनीन का यूज करते थे। क्विनीन क्या है, एक प्लांट होता है जिसको हम सिंकोना प्लांट कहते हैं, उसकी छाल बार्क से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, उस प्लांट की बार्क के एक्सट्रैक्ट से क्विनीन निकाली जाती थी, वो क्विनीन मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज की जाती थी। बट वो क्विनीन बहुत कॉस्टली थी, वो टीडियस प्रोसेस था उसको एक्सट्रैक्ट करना, दैट्स वाई क्लोरोक्विनीन इजी थी सिंथेसाइज करनी और ये कॉस्ट इफेक्टिव थी, इसलिए इसने रिप्लेस कर दिया क्विनीन को। बेसिकली क्लोरोक्विन इज बेटर इन टेस्ट, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है इन एसिडिक मीडियम एट पीएच 4.5। इसके दो एनेंशियोमर होते हैं, एनेंशियोमर मीन्स हम आइसोमर भी कह सकते हैं इनको, सिंपल भाषा में दो तरीके की ये ड्रग होती है, लिवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, पॉजिटिव एंड माइनस क्लोरोक्विनिन। आउट ऑफ दिस प्लस क्लोरोक्विनिन जो है वो ज्यादा एक्टिव होती है एज कंपेयर टू अदर एनेंशियोमर। हम ये ड्रग लेते कैसे हैं, मोस्टली जो क्लोरोक्विनिन है ओरली ली जाती है, ओरली मीन हम मुंह अपने माउथ के थ्रू इसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसके अलावा हम इसको एज ए इंजेक्शन ब्लड में भी दे सकते हैं और इसको एनएस के थ्रू भी दिया जाता है। जो लास्ट वाला एनएस के थ्रू वाला केस है वो बहुत ही सीवियर कंडीशन में यूज किया जाता है। इसको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, क्लोरोक्विनिन को हम नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, बट हमें एक चीज का ध्यान रखना है, इसको डायरेक्ट लाइट से बचा के रखना है। अगर हाँ इसमें हम डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है या कोई भी प्रकार की यूवी या रेडिएशन इस पर डायरेक्ट पड़ रही है तो वो इसको डिग्रेड कर सकती है। तो हम बात करेंगे इसकी एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। कोई भी ड्रग जब मार्केट में आती है सबसे पहले उसकी फार्माको डायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स की स्टडी होती है। अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा फार्माको डायनेमिक्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स होता है ड्रग कैसे हमारी बॉडी में जाती है, उसका काइनेटिक्स क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। फार्माकोडाइनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि भाई ड्रग हमारी बॉडी में जाके कैसे काम करती है, किन एंजाइम से इंट्रैक्शन करती है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, वो हम फार्माकोडाइनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो ये किसी भी ड्रग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज दी एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ दी क्लोरोक्विनीन। मार्केट में क्लोरोक्विन एज ए जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल होती है, WHO की एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में इसका नाम आता है, ये टेबलेट की फॉर्म में आती है। मोस्टली जो ये क्लोरोक्विनीन सिंगली नहीं होती, क्लोरोक्विनीन आइदर सोल्ड एज क्लोरोक्विनीन फॉस्फेट और सल्फेट और हाइड्रोक्लोराइड साल्ट, इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में इसको मार्केट में बेचा जा सकता है, बेचा जाता है। क्लोरोक्विनीन बहुत जल्दी हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाती है, जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं वो जाके कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारे खून ब्लड में जाती है, वहां से इसका एक्शन स्टार्ट होता है। जैसे ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है 80% तक क्लोरोक्विनीन हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाती है अप टू, तो विद इन 1 to 2 hours इसकी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में मैक्सिमम लेवल पे आ जाती है और ये तीन तीन से 3.5 घंटे तक ऐसे ही रहती है। जो इसका लाइफ टाइम पीरियड है, हाफ लाइफ टाइम, वो 3 से 6 दिन का होता है। दैट मीन्स 3 से 6 दिन में इसका आधा जो ड्रग का आधा पार्ट है, हाफ ऑफ द ड्रग इज यूज्ड। इसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी है 50 up to 50% ये प्रोटीन से, हमारी बॉडी के प्रोटीन से बाइंड कर सकती है। किसी भी ड्रग की जितनी ज्यादा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी है तो वो बॉडी में उसकी अवेलेबिलिटी उतनी कम हो जाती है।
तो अप टू 70% 70% क्लोरोक्विनिन जो हम लेते हैं वो अनचेंज्ड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन। सो इफेक्टिव डोज या इफेक्टिव ड्रग कितनी हुई हमारी बॉडी में जो हमें बॉडी में इंटरेक्ट करती है, दैट इज ओनली 30%। सो क्लोरोक्विन जो है बेसिक इन नेचर होती है बिकॉज इसमें तीन अमाइन ग्रुप होते हैं एंड नाइट्रोजन होता है इसमें। ये किसी भी ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में, कोई कोई भी ड्रग हम जब अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं उसकी जो ब्रेकडाउन होती है, जो उसके टॉक्सिक पार्ट उसको तोड़ता है, वो हमारे लिवर में होती है। मेटाबॉलिज्म किसी भी ड्रग का कहाँ होता है? हमारे लिवर में। सिमिलरली क्लोरोक्विनिन का मैकेनिज्म ब्रेकडाउन भी हमारे लिवर में होता है। तो ये दो रिएक्शन होती है मोस्टली, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ साइड चेन। ये दो पाथवे से हमारे लिवर में क्लोरोक्विनिन की जो है डिग्रेडेशन होती है। लिवर जो है 30 से 50%। सो अब मैं बात करूंगा इसके साइड इफेक्ट की। देखो क्लोरोक्विनिन मार्केट में तो बोल दिया कि भाई ये कोरोना वायरस के लिए इफेक्टिव है, बट बी केयरफुल, इसको ऐसे ही नहीं लेना, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें आपके मसल में पेन हो सकती है, आपको भूख ना लगना, डायरिया हो सकता है आपको, आपकी स्किन पे बहुत सारे रैशेस पड़ सकते हैं। ये है कॉमन साइड इफेक्ट। अगर आप ओवरडोज लेते हो तो आपको सीरियस साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे आपकी विजन कमजोर हो सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है, परमानेंटली मसल डैमेज हो सकता है, लो ब्लड सेल लेवल हो सकता है, आपकी अनवांटेड अनकंट्रोल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, आपकी जीभ अपने आप फड़फड़ाने लग जाती है, आंखें फड़फड़ाने लग जाती हैं, आपको हेडेक हो सकता है, आपका मूड चेंज हो सकता है, आप यानी कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है किसी भी, आपकी थॉट चेंज हो सकती हैं। सो आपको हाई फीवर, बहुत ज्यादा ठंड लगना, आपका गला पक जाना, स्किन में बहुत ज्यादा खारिश होना, स्किन कलर चेंज होना, हेयर लॉस, स्किन रैशेज, ये इसके सिवियर साइड इफेक्ट है। ठीक है, बट ये साइड इफेक्ट हमेशा ही नहीं होते। अगर आप इसकी डोज को कंट्रोल डोज लेते हो तो आप इन साइड इफेक्ट से बच सकते हो। सो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपने क्लोरोक्विनिन का जूस करना है तो आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है, अपने आप इसका यूज मत कीजिए। तो डोज, हमें डोज इसकी कितनी लेनी चाहिए, क्या डोज क्या होती है? ठीक है, यूजली जो है नॉर्मली क्लोरोक्विनिन जो यूज की है 10 mg पर केजी बॉडी वेट। अगर 1 किलो वेट है तो हम 10 mg तक क्लोरोक्विनिन दे सकते हैं। सपोज मान लो किसी बंदे का 50 किलो भार है तो हम उसको 500 mg ड्रग एक बार में दे सकते हैं। अगर हम उसको 1000 mg, तो टॉक्सिसिटी कहाँ से स्टार्ट होती है? अगर हम 20 mg 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से ये ड्रग देते हैं तो ये टॉक्सिक बन जाती है। दैट मीन्स अगर हम एक दिन में एक बंदे को 1000 mg यानी कि 1 ग्राम क्लोरोक्वीन दे देते हैं तो उसके लिए वो टॉक्सिक है, उसमें साइड इफेक्ट के सिम्टम्स आ सकते हैं। बट अगर डोज हम 300 mg पर केजी तक कर दें तो ये बहुत ज्यादा ओवरडोज होगी, तो इसमें इस केस में डेथ भी हो सकती है। बट अगर हम ओवरडोज ऑफ क्लोरोक्वीन लेते हैं तो जो रिस्क ऑफ डेथ है वो ओनली 20% है। सो इतना ज्यादा रिस्क नहीं है, बट आपको बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप इसको नहीं लेना। तो सिम्टम ऑफ ओवरडोज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, खास बात चिल्ड्रन में ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। हो सके तो जो 15 साल के से नीचे उम्र वाले बच्चे हैं उनको क्लोरोक्विनिन नहीं देनी चाहिए हमें। अगर हमें देनी है तो उसकी डोज हमें डॉक्टर के साथ पहले कंफर्म कर लेनी चाहिए कि हमें इसको इसकी कितनी डोज देनी है। अब बात आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि इसका ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है,
क्लोरोक्विनिन इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है इसीलिए ये अच्छे रिजल्ट दे रही है COVID-19 के अगेंस्ट। तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक तो इसका क्लियर नहीं है, जो लिटरेचर में मेरे को पता चला, जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्चुअली ये बेसिक इन नेचर होती है, इट इंक्रीजेज दी लेट एंडोसोमल एंड लाइसोसोमल पीएच, ये दो बॉडीज होती हैं जो हमारे सेल में होती हैं, ये उसका पीएच इंक्रीज कर देती है। जैसे ही इनका पीएच इंक्रीज होता है तो इससे क्या होता है, वायरस की ग्रोथ जो है इम्पेयर्ड हो जाती है, वायरस अपना डीएनए आरएनए नहीं बना सकता। एज द रिलीज ऑफ वायरस रिक्वायर लो पीएच, बिकॉज वायरस को अपना डीएनए और आरएनए को बनाने और उसको रिलीज करने के लिए लो पीएच चाहिए। जब ये हम ये ड्रग लेते हैं, ये एंडोसोमल और लाइसोसोमल का पीएच इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वायरस का डीएनए आरएनए बनना बंद हो जाता है एंड अल्टीमेटली जो के वायरस की ग्रोथ रुक जाती है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। ये इसका है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो अब मैं बताऊंगा क्लोरोक्वीन और COVID-19, कोरोना वायरस 19 के साथ इसका क्या रिलेशन है। पहली जो स्टडी आई थी 8 अप्रैल 2020, तो अप टू 8 अप्रैल तक बहुत ही लिमिटेड जो है एविडेंस थे कि जो क्लोरोक्वीन है वो COVID-19 की ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। ये सीरीज कैसे चली, जनवरी 2020 में चाइनीज रिसर्चर ने अपनी रिसर्च में पाया कि जो क्लोरोक्वीन है वो इफेक्टिव है कोरोना वायरस सार्स को कोरोना वायरस 2 के अगेंस्ट। ये इन विट्रो स्टडी थी उनकी। उसके बाद इस स्टडी के बाद जो है क्लोरोक्वीन को अप्रूव कर दिया चाइना ने, साउथ कोरिया ने और इटालियन हेल्थ अथॉरिटी ने इसको प्रूव कर दिया कि हम इसको यूज कर सकते हैं भाई COVID-19 के अगेंस्ट, बट इसकी अभी क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुए थे। उसके बाद 27 मार्च 2020 फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए ने एक गाइडलाइन इशू की जिसमें उन्होंने बोला कि आप क्लोरोक्वीन फॉस्फेट इट जो कि फिश के लिए यूज होता है आप उसको मत लीजिए। इसका रीजन था किसी व्यक्ति ने यूएसए में इस ड्रग को कोरोना के अगेंस्ट इफेक्टिव समझ के ले लिया, बाद में उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद ये एडवाइजरी आई थी 27 मार्च 2020 को। फिर 28 मार्च 2020 को एफडीए ऑथराइज दी यूज। फिर 28 मार्च को अगले ही दिन 2020 को एफडीए ने फिर एक एडवाइजरी जारी की जिसमें उन्होंने बोला आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन को इमरजेंसी कंडीशन में यूज कर सकते हो अगेन COVID-19 बट इन दी प्रेजेंस ऑफ मेडिकल टीम। बट दी ट्रीटमेंट इज नॉट अप्रूव्ड बाय एफडीए। उस समय तक एफडीए ने इसकी ट्रीटमेंट को अप्रूव नहीं किया था। फिर 1 अप्रैल को यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने गाइडलाइन इशू की, उसमें उन्होंने बोला क्लोरोक्वीन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन कैन बी यूज्ड ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी पर्पसेस। तो ये थी इसका COVID-19 से रिलेशन। तो क्या है, हम क्लोरोक्वीन COVID-19 के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं बट जब एमरजेंसी हो, नॉर्मली हमें ये यूज नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम न्यूज में सुन रहे हैं अपने आप आपने ये मेडिसिन यूज नहीं करनी। इसके अलावा भी पहले भी ये जो मेडिसिन है क्लोरोक्वीन बहुत सारे वायरस की ट्रीटमेंट के लिए यूज की जा चुकी है, बट वो इनविट्रो स्टडी है, क्लिनिकल स्टडी नहीं है। जैसे कि सार्स वायरस के अगेंस्ट इसको यूज किया जा चुका है, उसके बाद सार्स कोविड वायरस के अगेंस्ट यूज किया जा चुका है, चिकनगुनिया फीवर के वायरस के अगेंस्ट भी इसको यूज किया जा चुका है। अब डोजेस, एज ऑफ अप्रैल 8, 8 अप्रैल को जो रिसर्च साइंटिस्ट है उन्होंने इसकी डोजेस फिक्स की है। तो इसकी डोजेस क्या है, क्लोरोक्यून डाइफोस्फेट जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको देना है 600 mg ऑन डे फर्स्ट।
हमने पहले दिन 600 mg क्लोरोक्वीन देनी है पहले दिन। उसके बाद, उसके 12 घंटे बाद हमने फिर 300 mg क्लोरोक्वीन देनी है। उसके बाद 300 mg जन के 300 mg ड्रग फिर हमने देनी है अगले 4 दिन लगातार। 300 mg BID, BID का मतलब होता है ट्वाइस अ डे, जन के पहले दिन 600 mg, फिर उसके 12 घंटे के बाद 300 mg, फिर उससे नेक्स्ट 4 दिन 300 mg 2 टाइम हमें ये ड्रग पेशेंट को देनी है, या पेशेंट जो भी है उसको ये ड्रग लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप इस ड्रग का यूज नहीं करना, उसके बाद ये आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। ये जो डोज है, ये मैंने रेड कलर का ये नीचे एक रेफरेंस लिखा है, फार्मास्यूटिकल्स जर्नल है जिसमें ये रिसर्च जो है पब्लिश हुई है। तो आपको इसी मात्रा में ये डोज लेनी है, बच्चों को ये नहीं देनी, कीप अपने दिमाग में रखना है। ये भी डोज कब लेनी है, जब आपको मेडिकल डॉक्टर या कोई मेडिकल अथॉरिटी आपको ये प्रिस्क्राइब्ड, ओनली अंडर सीवियर कंडीशन आपने ये लेना है। जो भी हमने अभी स्लाइड में पढ़ा, इसका कंक्लूजन है कि हम क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को COVID-19 के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। बहुत सारी स्टडीज जो इनविट्रो स्टडीज हुई हैं, उन उनमें पाया गया है कि ये ड्रग जो है COVID-19 को के अगेंस्ट इफेक्टिव है। बट अभी भी इस पे क्लिनिकल ट्रायल होने बचते हैं। अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल हुआ भी है इस मेडिसिन का, वो बहुत ही छोटी पॉपुलेशन पे हुआ है, तो हम क्लियरली इसके इफेक्ट को जज नहीं कर पाए हैं। तो इसका प्रॉपरली इसको यूटिलाइज करने के लिए अगेंस्ट COVID-19 अभी अभी बहुत सारी रिसर्च करनी बाकी है। तो फ्रेंड्स, आप इसको अपनी मर्जी से, जब मार्केट से ले आके आपको पता हो कि भाई ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट हम इसको यूज कर सकते हैं, आप मार्केट से ले आओ, अपनी मर्जी से खाओ, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। ये आपके लिए डेंजरस हो सकती है। जब तक आपको कोई डॉक्टर या कोई मेडिकल ऑफिसर इसको प्रिस्क्राइब नहीं करता, तब तक आपने इस ड्रग का यूज नहीं करना है। मैंने फ्रेंड्स ये जो वीडियो बनाई है, मैंने इसका पूरा लिटरेचर सर्वे किया है, मैंने विकिपीडिया पढ़ा है, ये रिसर्च पेपर है कूपर एट आल के जो मैंने पढ़े हैं, इसके अलावा मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, WHO की गाइडलाइंस पढ़ी हैं, इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पढ़ी हैं, उसके बाद मैंने ये वीडियो बना के उसका जो पूरा ब्रीफ एब्स्ट्रैक्ट जो सार है वो आपको बताया है। एट द एंड मैं आपको यही कहूंगा, प्रिकॉशन सबसे बड़ी चीज है जिससे हम COVID-19 से फाइट कर सकते हैं। स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, बी पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। ठीक है, तो अपने आप ये ड्रग यूज नहीं करनी है। तो एट द एंड थैंक्स टू ऑल। अगर आपको ये मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी फ्रेंड, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू। इससे अगली जो मैं वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन क्वीन की डोज और उसके साइड इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।